एक्सपीरियंस बनते जिन्हें दो या तीन साल का एक्सपीरियंस है एंड वो कंपनी चेंज कर रहे हैं तो मुझे लगता है पहला ऑफर लेटर कॉग्निजेंट ने दे दिया होगा भाई कॉग्निजेंट ने ना इतने ऑफर जनरेट किए ना हद से ज्यादा ऑफर लेटर जनरेट किए थे जब मैं इंटरव्यू दे रहा था ना जब मैंने कंपनी चेंज करना स्टार्ट किया था लास्ट ईयर तो मेरे पास पहला जो ऑफर लेटर आया था वो कॉग्निजेंट का आया था एंड भाई उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप उनकी कंपनी ज्वाइन करते हो या नहीं करते हो मेरे नहीं कर रहा तो भाई उनके बाद एक कोई मेल नहीं आया कि क्यों नहीं कर रहे हम आपको काउंटर पैकेज दे देंगे कुछ नहीं तो इसी के चलते आपको मैं न्यूज बता देता हूँ कांग्रीजेंट ने एक न्यूज निकाली अभी कि वो थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एम्प्लॉइज को कंपनी से ले ऑफ करने वाले हैं इसके लिए मैंने ना कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाई थी कि कॉन्गिनियट में बेसिकली चल क्या रहा है कॉन्ग्रियट में जैसे आपकी ट्रेनिंग चलती है तो आपकी ट्रेनिंग में अगर मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो आपको उसके बेसिस पे ना टर्मिनेशन लेटर दे दिया जाता है मतलब आपकी ट्रेनिंग में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे चलो बाहर निकल जाओ कंपनी से ये हिडन उनकी फायरिंग चल रही थी जैसे मैंने आपको बताया था बहुत सारे मतलब मेरे पास स्टूडेंट्स के जो एम्प्लॉयज है ना वहाँ के कॉन्ग्रींट में जो काम कर रहे हैं उन लोगों के मैसेज आते थे, थे भैया कॉन्ग्रीट में ये चल रहा है एंड मेरे मार्क्स नहीं आए और उन्होंने जो पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है ना वो इंक्रीज़ कर दिया जो आपकी ट्रेनिंग होती है उसमें एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया पहले ऐसा नहीं होता था इवन जब मैंने इन्फोसिस में काम किया था जब मैं इन्फोसिस की ट्रेनिंग में था तो हार्डली वन लोग निकलते होंगे अगर एक क्लास में हंड्रेड बच्चे हैं तो उनमें से एक बच्चा ऐसा होगा जो इनपोजिट से बाहर निकलता हो नहीं तो बहुत कम बच्चे निकलते हैं ट्रेनिंग से बाहर सेम कॉन्ग्रीजेंट के होता था एंड बहुत सारी आई टी कंपनीज हैं सब में सेम ही होता था लेकिन कॉन्ग्रीएंट में अभी रेशियो इतना इंक्रीज हो गया है ना कि बहुत ज्यादा अब वो रीजन यही है कि भाई उन्होंने जो बल्क में हायरिंग की है भाई साहब हद से ज्यादा बल्कि हायरिंग किया मैंने जो इंटरव्यू दिया था कॉन्ग्री का मुझे लगता है ना वो गूगल से क्वेश्चन उठा के ले आए थे एंड उन्होंने पुट कर दिए थे क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं गूगल पे पहले चेक कर चुका था मैंने उस टाइप के क्वेश्चन गूगल पे चेक किए थे और सारे क्वेश्चन वही थे मतलब ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन यहाँ से उठाया एक क्वेश्चन यहां से उठाया है एक, उठाया है। एक ही पेज हो लिया वहीं से सारे क्वेश्चन उठाए और सारे पूछ लिए तो इस टाइप की हायरिंग चल रही थी कॉन्ग्री में तो भाई ऐसे हायरिंग करेंगे तो फायरिंग होगा क्योंकि उन्होंने बल्क में बहुत ज्यादा हायरिंग कर ली थी अभी कोविड टाइम के बाद ना जब हायरिंग हुई थी ना तो बेसिकली बहुत सारी कंपनीज ने की थी एंड कॉग्नी एंड का तो भाई सबको नेम पता है मुझे सब लोग ये भी बोलते थे तुम्हारे पास एंड का ऑफर है तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि भाई सबके पास है का ऑफर तो तुम्हारे पास कोई है तो ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ मतलब वो घड़े उखाड़ लिए एंड बाकी मुझे जो इफॉर्मेशन मिली है भाई मुझे आप लोगों से ही मिली है मुझे लोग जो इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं भैया हमारे साथ ये हो रहा है कांगनी में भैया हमारे साथ ये हो रहा है मुझे इनफॉर्मेशन वहीं से मिलती है बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि भाई ये इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है क्या एक्सेंचर में यही चल रहा है या नहीं चल रहा देखो हायरिंग का तो मत बोलना भाई हायरिंग का तो मेरे को पता है जो बल्क में जो उन्होंने हायरिंग की है ना बहुत ज्यादा हायरिंग की थी मुझे लगता है ना प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हायरिंग नहीं हो रही एक्सपीरियंस बंदों की क्योंकि जब मैंने कांगनी में इंटरव्यू दिया था तो मैंने उन्होंने पूछा था कि ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हायरिंग है या बल्क हायरिंग है तो उन्होंने बोला था ये बल्क हायरिंग है तुम सोचो कोई एक्सपीरियंस बंदे को जब मुझे फोर ईयर का एक्सपीरियंस है उनके लिए जो हायरिंग हो रही है वो बल्क में हायरिंग हो रही है मतलब प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नहीं हो रही मतलब मुझे हायर करेंगे अगर उनके पास प्रोजेक्ट नहीं होंगे तो मुझे बेंच पे रख देंगे एंड बेंच का मतलब है इस समय खतरा भाई बहुत ज़्यादा खतरा है मतलब आई टी कंपनीज में आई का किसी भी कंपनी में जाओगे ना तो आपको ना बहुत ज़्यादा खतरा होगा बेंच में अगर रहते हो तो कॉस्ट कटिंग के नाम से ना बहुत सारे बंदों को ना कंपनी से बाहर निकाला जाता है जैसे अमेजोन की बात करते हैं आपके बहुत सारी फ्लिपकार्ट वगैरह बहुत सारी कंपनीज़ है जिन्होंने कॉस्ट कटिंग के नाम पे ना बहुत सारे एम्प्लॉज को बाहर निकाल दिया जबकि उनकी हायरायरिटी लेवल पर देखोगे ना बंदे सी वगैरह को तो भाई उनकी तो सैलरी देखोग ना बहुत ज़्यादा ही है तो मैं भाई कह रहा हूँ ना बट ये पता किस पे गिरेगी तलवार किस पे गिरेगी आप लोग वो पे गिरेगी जो फ्रेशर्स हैं बेंच में बैठे हुए हैं उनको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा तो भाई निकाल दो कंपनी पैसा कब तक पे करेगी तो ये अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं पहले इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी मैं जब था बेंच पे इन्पोजिट में तो मैंने कभी इन्पोजिट की न्यूज भी नहीं सुनी है और ना मैंने टीसीएस के बारे में ऐसी कोई न्यूज सुनी है होपफुली अगर मैं तो भगवान से चाहूंगा कि भाई ऐसी कोई न्यूज ना निकाले अगर निकलती है तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा आपको अवेयर कर दूंगा कि भाई ये चीज चल रहा है अब ध्यान से अगर कंपनी ज्वाइन करते हो तो ध्यान से आप कंपनी ज्वाइन कर सकते हो मैं बोलूंगा अगर आप कॉन्नी ज्वाइन करना चाहोगे तो कॉन्ग्रीएंट ध्यान से करना भाई कॉन्ग्रीजेंट ज्वाइन अगर आप बेंच पे हो ना कॉन्ग्रियट पर तो ट्राई करो जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट में मैप होने के लिए और प्रोजेक्ट में मैप होने के लिए तो मैं मैनेजर से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा जाके जितने भी मैनेजर है पिंक करो कि भाई मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं है मेरे को प्रोजेक्ट चाहिए ऐसे ही आप बच सकते हो अदरवाइज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे बाकी अपनी स्किल्स को आप स्किल करते रहो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो और यहाँ पे मुझे कॉमेंट कर सकते हो भाई गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय